Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 53 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं फैंस एंड ब्लोअर्स के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 53 को. ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड इट. आई होप आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा. सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डक्ट्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैंस एंड ब्लोअर्स के बारे में. ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स विच इज टू बी अचीव्ड. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फैंस और ब्लोअर्स के साथ में. सो देखिए, ये रहा इसका क्लासिफिकेशन फैंस एंड ब्लोअर्स का. तो दो तरीके के आपके फैंस या फिर ब्लोअर्स हो सकते हैं, ठीक है. एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन और दूसरा होता है एक्सियल फ्लो फैन. सेंट्रीफ्यूगल फैन को भी हम दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि एक होता है फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड और बैकवर्ड ब्लेड. फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड और बैकवर्ड ब्लेड, ध्यान में रखिएगा. ओके, एक्सियल फ्लो को हम तीन जगह से डिफाइन करते हैं. सॉरी, क्या बोलते हैं अपन उसको, क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोपेलर फैन, ट्यूब एक्सियल फैन और वेन एक्सियल फैन, ठीक है. हम सभी को वन बाय वन अभी चेक कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन से. तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों ने फैन देखा होगा, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फैन, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर बोलो या फिर आपका जो फ्लूड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे फ्लूड को एट ए टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वे में. तो इसके कुछ तीन टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप होता है फॉरवर्ड ब्लेड, दूसरा होता है रेडियल ब्लेड और तीसरा होता है बैकवर्ड ब्लेड. तो देखो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फैन में एक्चुअली क्या होगा, आपका जो भी फ्लूड होगा, आपका एयर जो है वो आएगा एक्सियल फ्लो में. देखो यहाँ से आपको ये मिल रहा है, यहाँ से एक्चुअली क्या आएगा, आपका जो एयर है वो आएगा अलोंग द एक्सिस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है. और फिर सेंट्रीफ्यूगल मोशन की वजह से फिर वो क्या होगा, रोटेट होते हुए क्या जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा, ठीक है. तो फॉरवर्ड ब्लेड में भी वैसी तरह से होगा, यहाँ से देखो एक्सिस के थ्रू में क्या आएगा, आपका एयर आएगा, और एक्सिस के थ्रू आएगा ये एयर आपका. और देखो ये जो फॉरवर्ड ब्लेड्स है, ये फॉरवर्ड ब्लेड्स पे ऊपर क्या करेगा, ये इस प्रकार से ऐसा स्ट्राइक करेगा, ऐसा स्ट्राइक करेगा ये. ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, आपके ये जो ब्लेड्स है वो क्या करेंगे, मूव हो गए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो उसको संभाल सकता है फॉरवर्ड ब्लेड. ओके, बस इसमें एक ही दिक्कत है हमारी. दिक्कत क्या है, डिसएडवांटेज क्या है हमारा वाला, कि यार ये नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है. तो इसीलिए फॉरवर्ड ब्लेड को हम लोग जहाँ पर हमें नॉइज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हम वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. ये ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लेड की डिसएडवांटेज क्या है. दूसरा जो होता है रेडियल ब्लेड, रेडियल ब्लेड जो होता है इसमें जो एक्सिस होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे होती है. तो यहाँ पर जो भी एयर जो है स्ट्राइक करेगा और उसकी वजह से आपका जो ब्लेड है वो रोटेट करेगा. यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो ब्लेड है वो थोड़ा सा टूट जाए, क्योंकि क्या है, आपका 90 डिग्री का ब्लेड है तो उसके ऊपर क्या है, अगर आपको फोर्सफुली अगर आप एयर भेज रहे हो तो क्या होगा, उसमें टूटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो इसको भी ध्यान में रखिए. और थर्ड जो होता है आपका बैकवर्ड ब्लेड है आपका ये. सो बैकवर्ड ब्लेड में क्या होता है, आपका जो एयर यहाँ से रोटेट होते हुए जाएगा तो वो आपको बैकवर्ड तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, बैकवर्ड तरीके से स्ट्राइक करेगा और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो आपको क्या करेगा, फ्लो करते हुए देगा. लेकिन इसमें जो है नॉइस जो है नहीं होता है. नॉइस का जो हमारा मादला था, जो भी फॉरवर्ड ब्लेड में जो हम सोच रहे थे कि ये हो रहा है ऐसा, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे रिमूव होता है. इसलिए मैक्सिमम जगह पर हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड ब्लेड को ही यूज़ करेंगे, ठीक है. समझ में आ गया आपको सेंट्रीफ्यूगल फैंस के बारे में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सियल फ्लो फैंस के बारे में. अब एक्सियल फ्लो फैंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, अलोंग द एक्सिस क्या होगा, आपका वाला जो एयर है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो सबसे पहला इसमें आता है वो होता है प्रोपेलर फैन. तो प्रोपेलर फैन आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा होगा, आपके घर में भी होता है ये, है ना. क्यों यूज़ करते हैं हम लोग प्रोपेलर फैन को, ताकि आपके घर में वेंटिलेशन जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे. आपके घर में जितना भी गंदा वाला जो एयर होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर बहुत ज़्यादा बेकार एयर होगी, डस्ट होगी, धूल होगी, वो सारी की सारी जो है खींच ले और ये क्या करे, बाहर फेंक दे. तो यही काम होता है प्रोपेलर फैन का. इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें तीन से चार ब्लेड्स होते हैं, ठीक है,
तीन से चार यहाँ पे ब्लेड हो गए, यहाँ पे एक मोटर होगी, ठीक है, और एयर क्या होगी इसमें फ्लो होती रहेगी। इसको एक जो है अपनी माउंटिंग रिंग, माउंटिंग रिंग से इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। देखो यहाँ पे माउंटिंग रिंग्स रहती है, इसको क्या बोला जाता है, माउंटिंग रिंग बोलते हैं। इससे इसको फिक्स करेंगे और ये मोटर से ऑपरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। अब ये इसका काम क्या होगा कि आपके घर में जितना भी अनवांटेड एयर है या फिर जो भी एयर है जो फ्लो हो रही है जिससे आप लोगों को तकलीफ महसूस हो सकती है, तो उसको क्या करेगा, वो खींच लेगा और बाहर की तरफ क्या करेगा, वो फेंक देगा, ठीक है। तो ये काम होता है आपके प्रोपेलर फैन का, तो आप इसको ध्यान में रखिए, ओके। नेक्स्ट जो एक्सियल फ्लो में होता है वो है ट्यूब एक्सियल फैन, फैन। तो ये कुछ आपने इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप गए होगे तो ये कुछ इस प्रकार का होता है ट्यूब एक्सियल फैन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कैसा, देखो किस प्रकार से रहेगा कि ये कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम है। इसमें गाइडवेंस लगे होते हैं, ठीक है, और प्रोपेलर लगा होता है। तो आप लोग इसको कहाँ पे यूज करोगे, अगर आप लोगों को इसके आउटपुट में जो एयर मिलेगी आप लोगों को वो आउटपुट में अलोंग द स्पायरल मिलेगी, मतलब आपकी एयर ऐसे सीधी नहीं जाएगी, आपकी एयर जो ऐसे स्पायरल होते हुए जाएगी, ठीक है। इसके जो गाइडवेंस होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि आप लोगों को एयर जो है वो स्पायरल तरीके से मिले, ठीक है। इसीलिए इसको ज्यादातर कंपनीज जो है वो अवॉइड करती है, क्योंकि स्पायरल एयर को मेंटेन करना और उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्यूब एक्सियल फैन का आपको समझ में आ गया, इसमें जो गाइडवेंस होती है उसमें जो एयर आएगी वो क्या है, अलोंग द एक्सिस आएगी। ये आपका प्रोपेलर है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ से आपकी एयर आएगी और गाइडवेंस को हम लोग इस प्रकार से अरेंज करते हैं ताकि आपका जो एयर बाहर निकले वो स्पायरल शेप में बाहर निकले, ठीक है, ध्यान में आ गया। वेन एक्सेल फैन, तो ये भी सिमिलर टाइप का फैन होता है जैसा कि हमने पिछला देखा। अब इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, एक मॉडिफाई कर दिया कि जैसे हमारी एयर आ रही है यहाँ से, ठीक है, तो हमने उसके गाइड वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया पिछले के मुकाबले, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पायरल एयर निकल रहा था, जो स्पायरल एयर वहां से बाहर निकल रहा था वो क्या होगा, थोड़ा सा बंद हो गया, स्पायरल एयर अभी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनीज जो है वेन एक्सेल फैंस को यूज करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में आ गया, ओके। तीनों भी, चारों भी फैंस आपको समझ में आ गए, ओके। अब एयर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, आउटलेट्स है ना, क्या आप लोगों के घर में जो एयर आ रही है या फिर जो एयर बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलेट्स, ठीक है। अब इनको आउटलेट्स को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो होता है सप्लाई आउटलेट होता है। सप्लाई आउटलेट मतलब क्या होगा, आपके घर के अंदर आप लोग जो सॉरी जो एयर आप लोग सप्लाई कर रहे हो थ्रू द वेंटिलेशन सिस्टम बोलो या फिर आप डक्ट्स के हिसाब से डक्ट से भेज रहे हो, तो वो जो आउटलेट आपके घर के अंदर आ रहा है जो सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई आउटलेट। और जो भी बाहर निकाल रहा है जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट का अभी मैंने आपको बताया प्रोपेलर फैन, तो प्रोपेलर फैन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उसके लिए आप लोग जो आउटलेट लगा रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटर्न आउटलेट, ठीक है। एक और चीज होता है सीलिंग डिफ्यूजर। तो आजकल आप लोगों ने किसी बड़े बड़े मॉल्स में अगर आप गए होगे तो आप लोगों को डिफ्यूजर देखने मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के डिफ्यूजर होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये कैसा, छत के ऊपर लगा हुआ होता है ये डिफ्यूजर, और क्या करता है, ये छत से ही आपका वाटर, आपका जो एयर है उसको सप्लाई करेगा और जो भी एयर है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सप्लाई करने का और रिटर्न करने का काम जो है सीलिंग डिफ्यूजर भी करता है। जनरली आजकल हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में, कंपनीज में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रिल्स, अब ग्रिल्स क्या होता है सर, एक डेकोरेटिव कवरिंग होता है फॉर एन आउटलेट और इनटेक, इस नोन एज ग्रिल्स, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार की आप लोगों ने देखी होगी जाली जाली वगैरह, नहीं क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिल। एक डेकोरेटिव चीज है आउटलेट के लिए और इनलेट के लिए, किसके किसके, आपके एयर के आउटलेट और इनलेट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ग्रिल्स। तो इसका भी देखो मेजरमेंट करते हुए आप लोगों को ग्रिल्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है भैया, कितना अमाउंट ऑफ एयर एक मिनट में कितने मीटर तक जा सकेगा, आप लोगों को ये सोचते हुए आपको ग्रिल लगाना होता है एज अ वेंटिलेशन इंजीनियर, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू के क्यू अंडर रूट एच इंटू विथ, ठीक है। तो ये जो एल है कितना लेंथ का आपका एयर जो है वो ट्रैवल करेगा पर मिनट या फिर पर सेकंड, पर यूनिट टाइम बोल दो, ठीक है। तो ये जो होगा एल, इससे हम मेजर करेंगे। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू क्या है, एयर डिस्चार्ज थ्रू द ग्रिल,
कितना डिस्चार्ज यहाँ पे निकल रहा है बाहर इन मीटर क्यूब पर मिनट। एच जो है वो हाइट ऑफ ग्रिल है, इन सेंटीमीटर कितनी हाइट की आपकी ग्रिल है। डब्ल्यू जो है वो विड्थ होता है आपकी ग्रिल का, ठीक है। और के क्या है, कॉन्स्टेंट भी डिपेंड्स ऑन द वेन एंगल, मतलब आप जो ये एंगल रख रहे हो ना इसका वाला ग्रिल का, तो वो कितना एंगल होगा उसके हिसाब से आपका कॉन्स्टेंट वहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। सभी को ग्रिल समझ में आ गया। फिक्स एंड एडजस्टेबल लोअर्स, ठीक है। लोअर्स थोड़ा सा नाम ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग आप लोग गलत लिखते हो, ओके। सो फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल लोअर, तो ये क्या होता है, देखो फिक्स लोअर्स और एडजस्टेबल लोअर्स, तो कुछ इस प्रकार की आप लोगों ने देखी होगी किसी के घर के बाहर वगैरह, आप लोगों ने इसको देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार की जाली टाइप आपने मटेरियल देखा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी एयर जो है बाहर निकलती है ना, एयर जो है छोटे छोटे से, जो छोटे छोटे से जगह है यहाँ से क्या होती है आपकी आपकी जो एयर है वो बाहर निकलती है। तो ये दो प्रकार के हो सकती है, या तो ये फिक्स्ड होगी या तो वो एडजस्टेबल होगी, ठीक है। आप लोग इसको या तो हॉरिजॉन्टल यूज करो या तो आप वर्टिकल यूज करो। तो किस प्रकार से यूज होगा, अगर फिक्स लोअर रहा, मान लो ये मेरा ऐसा लोअर है, ठीक है, ऐसा लोअर है, तो ये क्या होगा, एयर जो है यहाँ से पास ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर एडजस्टेबल है तो एयर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, खुद को एडजस्ट करेगा, जहाँ पे भी आपको मूवमेंट चाहिए आप उसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, और उस हिसाब से क्या करेगा वो बराबर से आपका एयर पास ऑन करेगा। अगर आपको इसका आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप अपने घर के कूलर को देख लीजिए। कूलर में क्या होगा, आपके घर के कूलर में सामने में एक जाली लगी होती है, किसी किसी के घर के सामने में वो लोअर लगा होता है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। आप उससे क्या कर सकते हो, आपके घर में उसमें एयर कहाँ पे आपको चाहिए उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपका एडजस्टेबल लोअर्स होता है। उसी प्रकार से एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए भी हम लोग एडजस्टेबल लोअर्स या फिर फिक्स लोअर्स यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फ्लोर आउटलेट, तो देखो इसका भी कभी कभी यूज करते हैं, कोई कोई पब्स हो गया, मॉल्स हो गए, जहाँ पर बहुत अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है आपको नीचे से चाहिए होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्लोर आउटलेट्स यूज करते हैं। देखो ये जो ये देखो इस प्रकार का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, आपके फ्लोर में लगा होगा, मतलब नीचे लगा होगा, ठीक है। अब नीचे लगा होगा तो उसमें से क्या होता है, कभी कभी डस्ट आ जाती है बाहर में, तो आपको सफोकेशन क्रिएट हो सकता है। या फिर मान लो अगर मैंने इसको पब में लगा दिया नीचे साइड में, अब क्या होगा, कोई बंदा नाश्ते नाश्ते चले जाएगा और इसके ऊपर लात दे देगा, भैया आपका सफोकेशन तो वहीं पे चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से एयर ही बाहर नहीं निकलेगी, है ना। या फिर इसके टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जगह पर हम फ्लोर आउटलेट्स को क्या करते हैं, आजकल अवॉइड करते हैं। पहले लगाया जाता था इसको, लेकिन अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जब बाहर निकालता है आपकी एयर को, तो स्टार्टिंग में ये डस्ट वगैरह भी बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे सर, तो हम इसके जगह यूज़ करेंगे बेसबोर्ड या फिर सीलिंग आउटलेट। तो बेसबोर्ड आउटलेट होता है, ये क्या करेंगे हम लोग, आपके घर के किसी कोने में क्या करेंगे, नीचे साइड में हम उसको लगा देंगे। आप इसको घर के नीचे के कोने में भी लगा सकते हो या फिर सीलिंग में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का बेसबोर्ड आउटलेट होता है, ये क्या करता है, आपकी घर आपके घर में एयर को सप्लाई भी कर सकता है और एयर को बाहर निकालने के भी काम में आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखो मैंने एक लोकेशन बता दिया है आपको, आपके घर में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रह सकती है। तो ये देखो सीलिंग का डिफ्यूज़र है, मैंने आपको बताया सीलिंग का डिफ्यूज़र, आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल डिफ्यूज़र, ठीक है। परफोरेटेड सीलिंग आउटलेट, आप सीलिंग आउटलेट लगा दिए, यहाँ से जो भी एयर रहेगी वो डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल जाएगी। हाई साइड वॉल आउटलेट, ऊपर की तरफ में जो आउटलेट ऊपर की तरफ में लगाए या फिर नीचे की तरफ लगाए। अब नीचे की तरफ लगाने का क्या डिसएडवांटेज रहेगा, तो मान लो अगर यहाँ पे कोई भी आके खड़ा हो गया आपके आउटलेट्स की तरफ में, तो ये एक रास्ता क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आपका एयर जो है ना अंदर जा पाएगा ना बाहर जा पाएगा, है ना, तो ये थोड़ा आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर आउटलेट्स जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, घर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉपरली एयर जो है वो बराबर से बाहर निकल जाए या फिर अंदर आए, ठीक है। ये देखो ये है फ्लोर आउटलेट, इसको हम जमीन पे लगाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी से बताया था। यह है बेसबोर्ड आउटलेट, कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपने फॉरेन की मूवीज वगैरह देखोगी तो वहाँ पे बेसबोर्ड आउटलेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा तो टॉम एंड जेरी में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा सर्च कीजिए इसके बारे में, आपको आइडिया आ जाएगी। आई होप आउटलेट्स के बारे में और फैंस एंड ब्लोअर्स के बारे में आप सभी को आइडिया क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर नहीं हुए होंगे तो आप एक बार इसको वीडियो को फिर से देखिए, वरना हम ट्यूसडे को तो मिलने ही वाले हैं, ओके।
तो यूनिट आउटकम्स क्या अचीव हुए, हमने देखा कि फैंस एंड ब्लोअर के बारे में, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ फैंस और टाइप्स ऑफ ब्लोअर और डिफरेंट लोकेशंस ऑफ आउटलेट देखा। क्या प्रोग्राम आउटकम अचीव हुए, तो ये प्रोग्राम आपके आउटकम अचीव हो गए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको MSBT, तो भैया वो पूछेगा बताओ, चलो ड्रॉ करो, बोलेगा ग्रिल्स, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ग्रिल्स यूज इन एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन, कौन से टाइप के फैन होते हैं और कोई भी एक को एक्सप्लेन कर दो, बोलेगा तो कर देना। वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन बताओ, बोलेगा तो वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैंस बता देने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंसुलेशंस के साथ में, कि इंसुलेशंस किस प्रकार के होते हैं और हमें किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी वाली। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।